Please click on subscribe button to subscribe my channel for latest videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम ऑब्जेक्ट के अंदर नेक्स्ट पढ़ेंगे फिट ऑब्जेक्ट्स टू पाथ। तो इस फिट ऑब्जेक्ट्स टू पाथ का जो फंक्शन है ये अभी कोरल ड्रॉ 2019 में है। तो इसमें हम बहुत अच्छी तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास एक ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। ये एक मैंने सर्कल बनाया और ये सर्कल बनाने के बाद एक छोटा सर्कल और मैं बना लेता हूँ। अब इन दोनों को आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेशन जितनी भी डुप्लीकेट आपने ये ऑब्जेक्ट करने ना वो लिखते हैं। और इसमें कुछ ऑप्शन हैं ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल ग्रुपाल और ये भी कर सकते हैं आप। अप्लाई करें तो ये देखें इसके अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट अप्लाई हो गए। तो वैसे आपको ये डिज़ाइन अगर करना पड़ जाए तो काफ़ी आपका टाइम लगेगा। इस टूल को यूज़ करके आप वॉच भी बना सकते हैं, वो भी एक टास्क है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो इसी तरह कोई और ऑब्जेक्ट, और इसमें एक और बात कि आप जो पहले ऑब्जेक्ट ड्रा करेंगे वो और जो दूसरा बाद में ड्रा करेंगे वो उसके साथ जो है वो डुप्लीकेशन होगी। फॉर एग्जांपल अब ये स्टार इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा, नंबर ऑफ़ स्टेप्स डुप्लीकेशन आपने यहाँ लिख देनी है। और इसी तरह अगर आप इसमें इसके ओरिजिन को सेंटर की बजाय अगर इसको कॉर्नर कर दें तो वो देखें ये ओरिजिन चेंज करने से ओवरऑल सेटिंग आपकी चेंज होगी। ऑब्जेक्ट ओरिजिन टू सेंटर ऑफ रोटेशन भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट ओरिजिन भी कर सकते हैं। तो ये जो टूल्स है ये आपके पास फिट ऑब्जेक्ट टू पाथ की टूल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में। और इसी तरह ऑर्डर्स, ऑर्डर्स क्या होते हैं जी, आपके पास अगर फॉर एग्जांपल एक शेप आपने ये बनाई और एक शेप ये बनाई, अब ये दो अलग अलग शेप्स आपने बनाई हुई, एक का कलर रेड कर लेते हैं एक का ग्रीन कर लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट में अगर मैं इसको ऑर्डर में जाऊँ तो इसे बैक ऑफ पेज करूँ, ये ऑब्जेक्ट बैक ऑफ पेज हो गया है। इसी तरह अगर इसको ऑर्डर में ऑब्जेक्ट में ऑर्डर चेंज कर लूँ फ्रंट ऑफ पेज, कंट्रोल होम का बटन भी मैं प्रेस कर सकता हूँ तो ये होम पे आ जाएगा। तो इसी तरह ऑर्डर में टू बैक ऑफ लेयर, इस लेयर के बैक चले जाएगा ये, एक एक लेयर के बैक भी लेके जाना हो तो हम ले सकते हैं। टू फ्रंट ऑफ लेयर, लेयर के फ्रंट पे आ जाएगा। और इसी तरह ऑर्डर बैक वन करें तो एक लेयर बैक होगा, एक स्टेप बैक होगा, और फॉरवर्ड वन पे एक स्टेप फॉरवर्ड होगा। और इसी तरह इन फ्रंट ऑफ, इसके फ्रंट पे हो या बिहाइंड ऑफ, तो ये इसके बिहाइंड चला। ये दोनों ऑप्शंस हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर्स में। और इसमें लास्ट ऑप्शन है रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में जो ऑब्जेक्ट आपके ऊपर है वो नीचे हो जाएंगे, जो नीचे हैं वो ऊपर में, रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। इसमें रिवर्स ऑर्डर पर क्लिक करें तो ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। और इसी तरह आप इनको ग्रुप में कर सकते हैं, ग्रुप में ये इकट्ठे हो जाएंगे, एक साथ इनको मूव किया जा सकता है, एक साथ इसमें जो भी सेटिंग्स हैं वो आप इसको कर सकते हैं। ग्रुप अनग्रुप कंट्रोल यू अनग्रुप ऑल भी कर सकते हैं, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो गए अनग्रुप करने से। तो इसी तरह इसमें हाइट की ऑप्शन है, अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को हाइड करना है तो हाइट पे क्लिक करें, ये ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा। अगर इसको शो करना है तो शो ऑल करें, जो जो ऑब्जेक्ट आपने हाइड किए हैं वो शो हो जाएंगे। और इसी तरह लॉक में इसको लॉक लगा दें, अब इसको हम मूव करना चाहें भी नहीं करता क्योंकि ये लॉक तो हो गया, ना डिलीट होगा ना मूव होगा, लेकिन उससे नीचे जो ऑब्जेक्ट है वो लॉक नहीं है तो वो हो रहा है। तो इसको अनलॉक करना हो तो लॉक में अनलॉक ऑल कर दें, ये उससे सेपरेट हो जाएगा। तो इसी तरह फिर शेपिंग में नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे और बाकी भी टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।